मांगा में अभी गोजो और सुकुना के बीच भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है और इस बैटल को हमने चैप्टर 231 तक कवर कर लिया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चार और चैप्टर्स पर भी बात करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर 232 से लेकर चैप्टर 235 तक। ट्रस्ट मी, मैंने कि इन चार चैप्टर्स में इतना कुछ हो गया है और बाजी तो भाई कई बार पलटी है, मतलब अंदर से एकदम धक-धक हो रहा है। तो चैप्टर 231 के एंड में हमने देखा था कि धर्म चक्र एक बार स्पिन कर चुका है और अगर कुल मिलाकर वो चार बार स्पिन कर गया तो माहोरागा गोजो के इन्फिनिटी को अडैप्ट कर जाएगा। सो चैप्टर 232 के शुरुआत में हम दूसरा स्पिन देखते हैं और ऐसे में गोजो सुकुना को एकदम फिजिकली असॉल्ट करने लग जाता है। सुकुना को यहां बस थोड़ा और वक्त निकालना है क्योंकि जैसे ही चार स्पिन्स कंप्लीट हुए इस सीन में आ जाएगा माहोरागा सुकुना के साथ और फिर गोजो कहीं ना कहीं मुसीबत में जरूर फंसेगा। तभी तीसरा स्पिन भी होता है और गोजो के स्टूडेंट्स की फटने लग जाती है। जी यहाँ एक डिस्कशन स्टार्ट करता है कि आखिर माहोरागा अटैक्स को अडैप्ट करता कैसे है। क्या वो एक अटैक को एनालाइज करने में वक्त लेता है एंड देन उसको अडैप्ट करता है, या फिर जितनी बार आप उसको मारोगे उस हिसाब से वो अटैक्स को एडजस्ट करता है एंड देन अडैप्ट करता है। तो यहाँ कहा नहीं जा सकता कि माहोरागा का टेक्निक एक्चुअली में क्या है, टाइम लेता है या मल्टीपल अटैक से अडैप्ट करता है, पर जो भी हो गोजो को ये पता लगाना होगा और उसी हिसाब से अपना अटैक प्लान करना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोजो इस्तेमाल करता है रिवर्सल रेड का और सुकुना तुरंत ही डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल करता है ताकि वो डैमेज को मिनिमाइज कर सके। सभी एकदम शॉक में रहते हैं कि आखिर सुकुना रिवर्सल रेड को इतनी अच्छी तरह से हैंडल कैसे कर पाया। इनफैक्ट सुकुना भी गोजो से कहता है कि तुम स्लॉपी हो रहे हो, मैं तुम्हारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। लेकिन यहां अपने गोजो सेंसेई कहते हैं कि अभी रेड फटा कहां है मेरे दोस्त। तब हम देखते हैं कि गोजो का जो रेड अटैक था वो एक्चुअली में बिल्डिंग का पूरा राउंड मार के सुकुना के पीछे आके फट जाता है और इससे सुकुना काफी चोटिल होता है। इस मौके का फायदा उठाकर गोजो सुकुना को एक खतरनाक वाला ब्लैक फ्लैश देता है और भैया इस मुक्के से सुकुना नॉकआउट हो जाता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सुकुना लिटरली बेहोश हो गया था और उसके सर पे जो धर्म चक्र था ना वो भी नीचे गिरता है। लेकिन गिरने से ठीक पहले चक्र में आता है चौथा स्पिन और चौथा स्पिन होते ही बैटल में एंट्री होती है माहोरागा की और वो आते ही गोजो को स्लैश करता है। अब गोजो ऑब्वियसली जो उसको कट लगे थे उसको हील कर लेगा अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये थी कि गोजो का जो रिवर्स टेक्निक था अब स्लो होता जा रहा था, यानी कि अब गोजो को हील करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था और बाहर स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि भैया क्या टक्कर की लड़ाई चल रही है। ऐसा टक्कर गोजो को आज तक सिर्फ एक ही इंसान दे पाया था और उसका नाम था तोजी। लेकिन ध्यान रहे कि गोजो उस टाइम उतना स्ट्रांग नहीं था तोजी के सामने, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसीलिए गोजो तुरंत ही माहोरागा पे अटैक अपना खोल देता है। साथ ही वो अपने लॉस्ट आउटपुट को रिकवर करने की कोशिश में था। तभी सुकुना होश में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो रैबिट स्केप का इस्तेमाल करता है ताकि गोजो को आसपास कुछ क्लियर ना दिख सके। बेसिकली यहां ये हो रहा है कि माहोरागा इन्फिनिटी को तो अडैप्ट कर चुका है तो भैया वो गोजो पे अटैक कर पाएगा। ऐसे में सुकुना माहोरागा को डिफेंड कर रहा था ताकि माहोरागा आराम से गोजो से लड़ सके, वरना गोजो और माहोरागा वन ऑन वन हुआ तो गोजो खत्म ही कर देगा माहोरागा को भी। आसान शब्दों में कहा जाए तो यहाँ 2-1 चल रहा था और ये गोजो के लिए अच्छी खबर नहीं थी। गोजो यहाँ सुकुना को टॉन्ट भी करता है कि क्या हुआ, ब्लैक फ्लैश का जो दर्द था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है क्या। और ऐसे में सुकुना गोजो की तरफ एक फायर एक्सटिंग्विशर उछाल देता है जिसके फटते ही चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तो इसी में छुप के सुकुना गोजो पे अपना पियर्सिंग ब्लड अटैक करता है और क्योंकि गोजो माहोरागा से उस वक्त भिर रहा था तो वो इस अटैक को ठीक से भांप नहीं पाता। अब क्योंकि माहोरागा गोजो से लड़ रहा था तो उसका इन्फिनिटी भी काम नहीं कर रहा था, तो ऐसे में ये जो पियर्सिंग ब्लड अटैक था वो गोजो के हाथ पे आके लग जाता है। इस अटैक से गोजो समझ जाता है कि भैया अब लड़ाई अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। साथ ही गोजो ये भी ध्यान देता है कि सुकुना का अपने कर्स टेक्निक्स पे कितना ज्यादा कंट्रोल है। आई मीन देखा जाए तो वो एक शिकिगामी को बिना समन किए उसके पावर्स को इस्तेमाल कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल सुकुना मैक्स एलिफेंट को बुलाया नहीं लेकिन उसके वॉटर को एज ए पियर्सिंग ब्लड जरूर इस्तेमाल कर लिया। बट स्टिल रेड को अडेप्ट करने में भी और भी वक्त लगने वाला था एंड दिस वॉज ए गुड न्यूज फॉर गोजो। तभी सुकुना अचानक से कहता है कि तुम्हें क्या लगा गोजो, ये लड़ाई 2-1 है? नहीं,
ये 3v1 है। ऐसा कहते ही सुकुना समन करता है अगितो शिकिगामी को, जो कि कहा जाता है उस वक्त की नुए और टोटेलिटी का एक मिश्रण है। यानी कि अब सुकुना, अगितो और माहोरागा ये तीनों मिलके गोजो पे अटैक कर देते हैं, और इस तीन तरह के अटैक से एक बार में बचना गोजो के लिए मुश्किल था। गोजो यहाँ रिवर्सल रेड का इस्तेमाल माहोरागा पे करता है, लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। गोजो समझ जाता है कि उसके जो अटैक की आउटपुट है वो कहीं ना कहीं घट गई है, साथ ही माहोरागा भी थोड़ा बहुत रेड को अडैप्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो माहोरागा एकदम से किसी अटैक से अडैप्ट नहीं करता, बल्कि वो स्टेजेस में अडैप्ट करता है। पहले थोड़ा सा अडैप्ट करेगा, फिर और बढ़ेगा, फाइनली फुली अडैप्ट कर जाएगा। फिलहाल वो रेड को फुली तो अडैप्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ स्टेज वाइज वो अडैप्ट करता जा रहा है। तो ऐसे में रेड माहोरागा को अब उतना क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो गोजो को कोई और अटैक ढूंढना होगा जिससे वो माहोरागा को वन शॉट में मार सके। अब ये वन शॉट किल वाला अटैक क्या हो सकता है? हाँ, वही जो आप सोच रहे हो, हॉलो पर्पल। अब दूसरी तरफ यूटा एकदम विचलित हो रहा है, क्योंकि भैया गोजो लड़ाई में फंस चुका है और अब वो लड़ाई में कूदना चाहता है। वो कहता है कि गोजो का 3v1 सिचुएशन हो गया है, तो मैं लड़ाई में कूदूंगा, लेकिन काशिमो उसे रोकता है। यूटा का यहाँ कहना था कि वो और रीका मिलके अगितो को तो आराम से संभाल ही लेंगे, और इतने में गोजो फिर आराम से माहोरागा को देखेगा। लेकिन हकारी पॉइंट आउट करता है कि गोजो कहे थे कि लड़ाई में तुम लोग तभी कूदना जब मैं तुम लोगों से वीक दिखूंगा, और अभी किसी भी एंगल से गोजो वीक नहीं दिख रहा था। अब यहां माकी भी इंटरप्ट करती है और यूटा से कहती है कि यूटा बेटे, तुम हमारे इंश्योरेंस हो, याद है ना? मान के चलो अगर गोजो हार गया तो इस केस में यूटा, काशिमो, तुम दोनों ही आगे की लड़ाई को लीड करोगे, तो भैया अभी लड़ाई में बीच में कूद के खुद को मत मार गिरवाओ। तुम दो दिग्गजों के लड़ाई के बीच पिस जाओगे, और हो सकता है सुकुना के पास कोई एक हिडन अटैक होगा जो कि वो बचा के रखा होगा, और जैसे ही हम लोग लड़ाई में कूदेंगे वो एक शॉट में हम सबको मार गिराएगा। तो ध्यान रखो और लड़ाई को चुपचाप देखो, दो बड़े लोग लड़ रहे हैं, छोटे बीच में नहीं बोलते। अब माकी तो सही बात कर रही थी, लेकिन यहाँ इटाडोरी का खून उबल रहा था। वो बोलता है यूटा से कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम लड़ाई में कूद के अच्छा करोगे तो कूद जाओ, आज लड़ ही लो। ऐसे में हिगुरामा समझाता है कि सुकुना की तरफ से उराओमे भी है, देन केंजाकू भी है, और हमारा काम है उराओमे, केंजाकू, इन लोगों से लड़ना, सुकुना से लड़ना नहीं। तो इस महायुद्ध में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करी जाए, गोजो और सुकुना को लड़ने दो। खैर, कमिंग बैक टू फाइट, यहाँ 3v1 सिचुएशन कहीं ना कहीं गोजो के लिए भारी पड़ रहा था, और वो एंटिसिपेट करता है कि भैया ये जो अगितो है इसके अंदर ग्रेट सर्पेंट, टाइगर, इनफैक्ट राउंड डियर के भी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि यहाँ अगितो रीजनरेट कर जा रहा था, और अगर आपको याद हो तो राउंड डियर के पास ही रीजनरेशन की कैपेबिलिटी थी। तो ऐसे में अगितो को भी वन शॉट करना होगा, वरना साला ये भी रीजनरेट करता रहेगा। साथ ही सुकुना को भी यहाँ हील करने का मौका मिल रहा था, यानी कि ये लड़ाई जितना लंबा खिंचेगा सुकुना को उतना फायदा होगा। वही सुकुना सोच रहा होता है कि भैया मुझे भी ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करना है, क्योंकि अगर गोजो हॉलो पर्पल का इस्तेमाल किया तो हम सब इकट्ठे पेले जाएंगे। पर्पल का 120% तक आउटपुट होता है विथ बाइंडिंग वाव। लड़ाई के शुरुआत में 4 किलोमीटर दूर से जब पर्पल सुकुना को हिट किया था तो भी भैया उसका बुरा हाल हुआ था, जबकि सुकुना उस समय एकदम फ्रेश था। अभी तो ऑलरेडी सुकुना, अगितो और माहोरागा पिट चुका है, तो अभी अगर 100% पे भी पर्पल अनलीश हुआ तो भैया तीनों हो जाएंगे वन शॉट। तो ऐसे में सुकुना डरते हुए माहोरागा से कहता है कि अबे ओए क्या कर रहा है, जल्दी से लड़ाई को खत्म करो, अब तुम मेगुमी के शैडो नहीं रहे, मेरे शैडो हो, लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करो। ऐसे में माहोरागा अपना धर्म चक्र को फेंकता है और ये चक्र डायरेक्टली गोजो के राइट हैंड पे जाके लगता है और गोजो का राइट हैंड कट जाता है। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गोजो का हीलिंग भी कहीं ना कहीं लो था और अब उसे एक हाथ से 3 एंटिटीज से लड़ना था। लेकिन इन सब के बाद भी गोजो के चेहरे पे स्माइल थी। गोजो कहता है कि तुम तीनों में सबसे कमजोर मुझे अगितो दिखता है। तो ऐसे में अगितो, ये लो, तुम खाओ मेरा वन हैंड वाला मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। गोजो के इस बहुत ही ताकतवर हमले से अगितो नॉकआउट हो जाता है। पता नहीं नॉकआउट हो या मर गया, एकदम चिमटा सा बन गया है उसका। और अभी से 41 सेकेंड्स के बाद अनलीश होगा गोजो का हॉलो पर्पल। मतलब कि जहां हमें लग रहा था कि गोजो अब बेबस हो चुका है, वहां गोजो अपने एक अटैक से 3v1 को 2v1 कर दिया। यहीं पे होता है चैप्टर 234 खत्म, और अब हम बढ़ते हैं आखिरी चैप्टर की ओर, जिसका नाम है 235। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय इसके बस लीक्स आए हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूं। मतलब कि लीक्स नहीं, प्रॉपर चैप्टर आए हैं लेकिन ट्रांसलेशन नहीं आया है, तो हाँ थोड़ी बहुत बातें इधर उधर हो गई तो माफ करना मुझे। वैसे चैप्टर 235 पे जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भूलना पड़ता है वीडियो के बीच।
समझ रहे हो, नहीं तो आप लोग करते नहीं हो यार, भूल जाते हो वीडियो में बह के। हाँ ये कर लो पहले। खैर बढ़ते हैं चैप्टर 235 की ओर। खैर तो अब तक लड़ाई में गोजो दो बार ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर चुका था जिससे उसका वोल्टेज बढ़ गया था। बेसिकली होता यह है कि ब्लैक फ्लैश के इस्तेमाल से आप कहीं ना कहीं अपने टेक्निक्स को हील कर लेते हो और यही वजह हो सकती है कि गोजो अपने कटे हुए हाथ को इंस्टेंटली हील कर लेता है। यहाँ हजारों साल में पहली बार हम सुकुना को नर्वस देख पाते हैं। इसके बाद गोजो यहाँ माहोरागा पे तीसरा ब्लैक फ्लैश लैंड करता है एंड देन अचानक सुकुना पे जाता है और उसको भी पेलता है। सुकुना की लिटरली फटी पड़ी है और वो गोजो को पंच करने की सोचता है, लेकिन भैया गोजो सुकुना को उछाल के फेंक देता है और एकदम उसके पास जाके चौथा ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। अब अगर ये ब्लैक फ्लैश सुकुना को लग जाता तो भैया वो फिर से नॉकआउट होता बहुत ज्यादा देर के लिए, लेकिन बीच में आ जाता है उसका पप्पी माहोरागा और वो ब्लैक फ्लैश को झेल लेता है अपने ऊपर, तो सुकुना काइंड ऑफ बच गया। इसके बाद गोजो रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करने के लिए चैंटिंग्स करता है और सुकुना इस बात को भांप लेता है। वो माहोरागो को आगे कर देता है क्योंकि माहोरागा कहीं ना कहीं इस अटैक से अडैप्ट कर रहा था, तो वो इसको झेल लेता साथ ही और भी अडैप्ट करता। लेकिन सरप्राइजिंगली गोजो अपना रिवर्सल रेड हवा में छोड़ देता है। अब यहां हमें पता चलता है कि जिस ब्लू के साथ गोजो ने अगितो को पेला था भैया वो ब्लू अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये वाला रिवर्सल रेड जो निकला है वो उस ब्लू से जाके कंबाइन होगा। और जब ब्लू और रेड कंबाइन होंगे तो क्या आएगा, हेलो पर्पल। ऐसे में सुकुना चिल्लाता है कि माहोरागा जल्दी से ब्लू को खत्म करो वरना हम गए। अब इससे पहले माहोरागा ब्लू के पास जाके उसे डिस्ट्रॉय कर पाता, गोजो बीच में आता है और माहोरागा को एक मुक्का देता है। ऐसे में सुकुना अपने पियर्सिंग ब्लड अटैक से ब्लू को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है, लेकिन गोजो सुकुना को भी पेलता है। सुकुना कहता है कि तुम लेट हो गए गोजो, मेरा पियर्सिंग ब्लड अटैक निकल गया है, तुम्हारे ब्लू को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन गोजो यहाँ चैंटिंग्स करके अपने ब्लू को और स्ट्रॉन्ग बना लेता है जिससे पियर्सिंग ब्लड का ब्लू पे कोई असर ही नहीं होता। तो इसके बाद गोजो ब्लू और रेड दोनों को मर्ज करवा देता है एंड देन चैंटिंग्स करके निकालता है हॉलो पर्पल। फिर क्या था, हॉलो पर्पल का ब्लास्ट निकलता है और भैया चारों तरफ तबाही ही तबाही, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक फ्रेम जहां शहर का एक हिस्सा पूरी तरह धूल में मिल चुका था। यह हमला इतना पावरफुल था कि गोजो को भी इसका हिट लगा था। और इस हमले में एक और चीज हुआ, माहोरागा का चक्र टूट गया। जी हम मजाक नहीं कर रहा मैं, इसके साथ सुकुना के तो चीतरे उड़ गए भैया, उसका एक हाथ कट गया है, पूरा बॉडी इंजर्ड है, हालत खराब है उसका। इनफैक्ट सुकुना का जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो भी अभी काफी वीक है, तो वो जल्दी से हील भी नहीं कर पाएगा। तभी हम गोजो को देखते हैं जिसको भी चोट लगे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद पे ही काइंड ऑफ अपने आसपास ब्लास्ट कर लिया था, बट हाँ ये उसका ही टेक्निक है ना हॉलो पर्पल, तो उसको उतना चोट नहीं पहुंचाया। हम देखते हैं कि गोजो खुद के ही बर्नड फेस को हील करता है एंड ऑब्वियसली यहाँ उसका रिवर्स कर्स टेक्निक भी अच्छे से काम कर रहा था क्योंकि बंदा चार चार ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल किया है। अब इस हॉलो पर्पल से सबसे अच्छी बात यह हुई कि लड़ाई में अब माहोरागा भी कहीं दिख नहीं रहा था, मतलब लगता है माहोरागा वन शॉट हो गया, कह नहीं सकते लेकिन मुझे लग रहा है वो हो गया वन शॉट। वैसे चक्र तो उसका पक्का टूटा है, पता नहीं मरा या नॉकआउट हुआ है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सिचुएशन अब आ गया है वन वर्सेस वन, गोजो वर्सेस सुकुना, जहां गोजो एकदम हेल्दी है, मस्त खड़ा है और सुकुना के चीथड़े फटे हुए हैं, मतलब हाथ वाथ गया है, बॉडी वॉडी हील नहीं कर रहा, ना वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर पाएगा यानी कि गोजो को वो टच तक नहीं कर सकता, ना वो डोमेन अपना खोल पाएगा, ना वो अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर पाएगा ढंग से, तो समझ ही जाओ लड़ाई कहां जा रहा है। तो ये सब देख यूटा कहता है कि अच्छा हुआ मैं लड़ाई में नहीं कूदा, वरना मैं परेशान ही करता गोजो सेंसेई को, वो अपना ये हॉलो पर्पल इतना मस्त अटैक कर नहीं पाते, मैं भी पेला जाता ना उसमें। वहीं कुसाकाबे कहता है कि सुकुना अब ना डोमेन खोलेगा, ना डोमेन एम्प्लीफिकेशन करेगा, ना रिवर्स कर्स टेक्निक ठीक से कर पा रहा है, मतलब कि हम क्लियरली कह सकते हैं कि गोजो इस लड़ाई को जीत चुका है। तो दोस्तों ये था अब तक का अपडेटेड मांगा, और हालांकि कुसाकाबे कह रहा है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन ध्यान रखना सुकुना अभी मरा नहीं है। सुकुना के पास कुछ हिडन अटैक्स हो सकते हैं जैसे कि युरुजु का गिफ्ट या फिर उसका हिडन इनेट टेक्निक। इनफैक्ट हम ये भी नहीं जानते कि माहोरागा सचमुच मारा गया है या नहीं, अगर सिर्फ नॉक्ड आउट हुआ होगा तो वो फिर से लड़ाई में आ सकता है, ऑल्दो उसका धर्म चक्र जरूर टूट गया है तो शायद अब उसका अडैप्टेबिलिटी उतना काम नहीं करे, तो हम फुली नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन हाँ एक तरह से गोजो इस लड़ाई को जीत चुका है। तो गोजो फैंस मजे करो, सेलिब्रेशन टाइम है आप लोगों के लिए, एकदम एंजॉय करो, और हम सुकुना फैंस कोने में जाकर रोते हैं, ठीक है। अब बैटल को मैं आगे कुछ और चैप्टर्स आने के बाद कंटिन्यू करूंगा, और तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की वीडियोस तभी आएगी जब इस वाले वीडियो पे 20 के लाइक्स मुझे मिलेंगे, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, पीस आउट।